बड़ी खबरों के साथ। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चिदंबरम के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। आईएनएक्स मीडिया मामले में एजेंसी के सामने पेश होने को कहा। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। कश्मीर से प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल भी आज से खुले। दिन में प्रतिबंध हटाए गए और ज्यादातर इलाकों में लैंडलाइन फोन सुविधा बहाल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बारामूला में मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का एक आतंकवादी ढेर, एक सुरक्षा कर्मी भी हुआ शहीद। भारत यात्रा पर आए जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगू ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। राष्ट्रपति भवन में एडगर लुंगू का औपचारिक तौर पर किया गया स्वागत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 23 मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 6 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र और 11 को राज्य का प्रभार। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ की हालत है काफी गंभीर।